हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्यकाल के बारे में। उत्तराखंड का इतिहास हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें है कुमाऊं का चंद वंश। इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, अगर आप लोग देखे नहीं आप लोगों ने तो आप लोग देख सकते हैं। कुमाऊं का चंद वंश कत्यूरी शासन के बाद ये शुरुआत हुई थी। यहाँ पर संस्थापक जो माना गया है वो सोमचंद को माना गया है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो स्थापना वर्ष थी वो थी आपकी 720। एटकिंसन के अनुसार 1950, सॉरी इट्स 953। एंड अजय सिंह रावत के अनुसार ये थी आपका 1018। तो अगर आप लोगों को ये तीनों याद हैं तो आप अच्छे तरीके से अपना जो एमसीक्यू में आपका आंसर होगा उसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में। आपको तीनों चीजें क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जैसे मैं इसे कहता हूँ 720, 720953 एंड 1018। इस तरह से ही आप लोग इसे बोलेंगे, 720153 एंड 1018, 720, 900, 953। इस तरह से आपको 1018, इस तरह से आप लोगों को याद नहीं करना है। डिजिट को आप सीधे इसी तरह से याद किया कीजिए, 720953 1018। तो इससे काफी इजी रहता है याद करना। अब राजभुंगा का किला का निर्माण किसने करवाया था, ये आप लोगों के पास में क्वेश्चन बनता है। तो वो है आप लोगों का सोमचंद। और सोमचंद प्रयाग के निकट यहाँ झूसी का निवासी था। तो एक प्लेस है झूसी, उसका निवासी था। और ये किसका उपासक था, शिव का उपासक था। तो ये इतने क्वेश्चंस आपके सोमचंद से जो बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आप लोग इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। राजा आत्मचंद, राजा आत्मचंद संगठन संगठन शक्ति मजबूत थी और सभी सरदार क्या करते थे, सलामी देते थे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक सीक्वेंस बनाने के लिए इसे याद रख सकते हैं। राजा पूर्णचंद, फिर उसके बाद आता है राजा इंद्रचंद। राजा इंद्रचंद यह स्वयं को इंद्र के समान मानता था। तो क्योंकि अगर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो इंद्र से आप लोग इजीली कर सकते हैं। रेशम का कारखाना खोला था। अब आप इस तरह से इसे याद रख लीजिए कि जो राजा इंद्र हैं वो क्या करते थे, रेशम का कपड़ा पहना करते थे। तो रेशम का कपड़ा कौन पहना करते थे, इंद्र, जो स्वर्ग के राजा हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा कि रेशम का कारखाना किसने खोला, इंद्रचंद ने खोला था। राजा संसार चंद, उसके बाद आता है सुधार चंद, फिर आता है आपका हरिचंद और राजा वीणा चंद। ये जो वीणा चंद है ये भोग विलास में लिप्त रहते थे। तो ये वीणा बजाते थे और भोग विलास में लिप्त रहते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, जो एक दो है वो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका खस राज्य। खस राजाओं ने काली कुमाऊं को 200 वर्षों तक राज्य किया। इन्होंने काली कुमाऊं में 200 वर्षों तक लगभग आपका क्या किया है, शासन किया है। सोपाल, सोपाल जो थे वो अंतिम शासक थे। वीरचंद ने इनको पराजित करके पुनः चंद वंश की स्थापना कर ली थी। तो सोपाल जो थे वो अंतिम शासक थे। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो वीरचंद थे उन्होंने किसको पराजित करके दोबारा से चंदवन की स्थापना की थी। ठीक है, तो वो है आप लोगों के सोपाल। उसके बाद आता है आपका वीरचंद दोबारा से, और फिर आ जाता है राजा त्रिलोकचंद। भीमताल में इन्होंने एक किला बनवाया था और राज्य विस्तार करने वाले पहले शासक थे। तो ये क्या था, त्रिलोक। तो अब आप ये मान के चलिए कि जो त्रिलोक थे उन्होंने तीनों लोकों में क्या करना चाहा, शासन करना चाहा। तो इन्होंने क्या किया, अपना विस्तार तीनों लोकों में बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए ये पहले शासक थे जिन्होंने राज्य विस्तार करने की सोची। और कहाँ से इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया, भीमताल से। ठीक है, भीमताल आप ये मान, यहाँ पे ये इस तरह से पिक्चराइजेशन करके अगर आप रखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। राजा डमरूचंद, राजा धर्मचंद और राजा अभयचंद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है वो राजा ज्ञानचंद, और इन्हीं को गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। और इनको क्योंकि ज्ञान था इसलिए इन्होंने सर्वाधिक समय तक शासन किया। मतलब आपको को रिलेट करना है, ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन आपको इसे, क्योंकि जो ज्ञानी है, जैसे अगर मैं आपको अभी अभी पूछूं, जैसे आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पूछा मैंने कि जो राजा इंद्र थे, ठीक है, इंद्र किस तरह के कपड़े, कौन से कपड़े पहनते थे, तो आपको इजीली याद होगा कि ये रेशम का उन्होंने कपड़ा पहना था। ठीक है, अब जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भीमताल थे वहां से उन्होंने उन्होंने एक किला बनवाया था, भीमताल में एक किला बनवाया। और तो उनका नाम क्या था, तो आपको पता होगा कि मैंने अभी तीन लोगों का बताया था,
तो 3 लोग आप लोग याद रख सकते हो राज्य विस्तार के लिए। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इन चीजों को याद रख सकते हैं। पहली बार दिल्ली सल्तनत जाने वाला ये राजा था, तो पहली बार क्या हुए थे, ये दिल्ली सल्तनत गए थे और ज्ञानचंद ने दिल्ली बादशाह को एक चिट्ठी भेजी थी कि तराई भाबर का जो क्षेत्र है वह कुमायूं राज्य का हिस्सा है। राजा ज्ञानचंद जब दिल्ली गया तो उस समय बादशाह फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है, वहां पे कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे, शिकार पर गया था, तो ज्ञानचंद वहीं चले गए और उन्होंने एक गरुड़ को क्या कर दिया, तीर से मार डाला। तो फिरोज शाह ने क्या कहा उनको, गरुड़ की उपाधि दे दी, इसीलिए उनका नाम क्या बन गया, गरुड़ ज्ञानचंद बन गया। वैसे वो क्या थे, ज्ञानचंद थे, ज्ञान की वजह से उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, शासन किया। इस तरह से आप लोग कोरिलेट कर लीजिए, इसे बहुत टाइम तक याद रहता है अगर आप कोरिलेशन यूज कर सकते हैं। तो तुगलक ने नया फरमान लिखा कि तराई भाबर का इलाका भागीरथी गंगा तक कुमायूं राज्य में रहेगा। जो तुगलक ने था उन्होंने सपोर्ट किया, मींस जो ज्ञानचंद थे उनको। सरदार नीलू कठायत सेनापति के पद पर थे, कुमाय नरेश ने कुमैया खिलत की उपाधि इनको दी थी। तो कुमैया खिलत किसको दिया गया था, ये नीलू कठायत को दिया गया था। राजा हरिहर चंद, चंपावत का बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हरिहर चंद ने करवाया था। और बालेश्वर मंदिर, तो आप लोगों को ध्यान रखना, बालेश्वर मंदिर में कौन थे, हरि बैठे हुए थे। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है, ये मंदिर आप बना लीजिए और यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, हरि बैठे हुए हैं, हरि बैठे हुए। तो बालेश्वर मंदिर में कौन बैठे हुए हैं, हरि बैठे हुए, आपको याद रहेगा, हरिहर चंद। राजा आत्मचंद द्वितीय और राजा हरि चंद द्वितीय, राजा विक्रमचंद, अब विक्रमचंद में आ जाते हैं। इनका जो फैक्ट है, हमने ज्यादातर कोशिश ये की है कि जहां पे आप लोगों का क्या है इंपॉर्टेंट सेक्टर है वहां पे आप लोगों को चीजें मिल जाए। इनका ताम्रपत्र बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ था, विक्रमचंद का। राजा भारतीचंद योग्य और कुशल शासक थे, इनके शासन काल में लड़ा गया 12 वर्षीय युद्ध उल्लेखनीय है, इसे डोटी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी, तो डोटी का युद्ध भारती चंद, तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। तो भारती जो थे, भारती चंद, वो नल की टोटी खोला करते थे। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा फन अगर लाएंगे आप स्टडी में तो बहुत दिनों तक याद हो जाता है, ठीक है। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमने स्टडी को कम से कम 14-15 घंटे पढ़ा करते थे। 14-15 घंटे पढ़ना, कॉन्टिन्यूस पढ़ना और एक तरह से एक मोनोटोनस चीज से पढ़ना बड़ा बोरिंग हो जाता है, आप ज्यादातर देर तक पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोग लंबा टाइम तक स्टडी करना चाहते हैं तो सारे पार्ट यूज कीजिए, फ्लैश कार्ड मेथड, ऑडियो वीडियो, और फन कीजिए उसमें। जैसे मैंने अभी एक बनाया कि ठीक है, भारती जो थे वो क्या क्या करते थे, टोटी खोला करते थे। अब भारती चंद जो हैं, अब अपने आसपास किसी का नाम भारती होगा आपका, तो उनके नाम से आप क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं और चीजें ज्यादा दिनों तक आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इन्होंने डोटी का युद्ध किया था। अब डोटी का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने टोटी खोली थी। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। राजा रतन चंद जागेश्वर मंदिर की यात्रा उन्होंने की थी। तो जागेश्वर ये जागे रहते थे, जो रतन थे वो क्या करते थे, हमेशा जागे हुए रहते थे, ये कभी सोते नहीं थे। हम इस तरह से कर लेंगे, जागेश्वर मंदिर उन्होंने बनवाया था। राजा कीर्तिचंद प्रतापी और युद्ध प्रेमी शासक थे, बारामंडल विजय इनके टाइम पे हुआ था, पाली विजय और फालताकोट की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। राजा प्रतापचंद, अब देखिए तृतीय, और राजा पुनीचंद, फिर आता आपका भीष्मचंद। भीष्मचंद क्यों आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, खगमरा कोट के पुराने किले का इन्होंने क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था। अब देखिए खगमरा, अब आपको भीष्म तो पता होगा कि जो भीष्म थे वो किसमें थे, सरसैया पर लेटे हुए रहते थे, मीन्स तीर उनके नीचे रहते थे। तो मरा, मरा शब्द से आप क्या कर सकते हैं इनको, खगमरा, ठीक है, खग मरा है ना, तो आप लोग मरा जो वर्ड है इसे ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं कि भीष्म जो थे वो मर रहे थे उस टाइम पे। तो खगमरा के पुराने किले का जो जीर्णोद्धार था वो किसने करवाया था, वो था आपका भीष्मचंद। आलमनगर, अल्मोड़ा की नींव भी इन्होंने डाली थी, काफी इंपॉर्टेंट है। राजा बालो कल्याणचंद अल्मोड़ा को राजधानी बनाया, अल्मोड़ा की स्थापना इन्होंने की थी। और देखिए नींव किसने डाली थी, आपकी भीष्मचंद।
और जो बालो कल्याण चंद है उन्होंने अल्मोड़ा को राजधानी बनवाया था। अल्मोड़ा की जमीन श्री चंद तिवारी नामक व्यक्ति से ली थी। गंगोली क्षेत्र पर विजय, सोर क्षेत्र पर विजय और दानपुर विजय, तो काफी इनका जो हिस्ट्री में है अच्छा खासा एक हम कहें कि उन्होंने अपना नाम लिखवाया। तो ये है आपका गंगोली क्षेत्र, सोर क्षेत्र और दानपुर क्षेत्र। राजा रुद्रचंद, इक्फा युद्ध इन्होंने लड़ा। अकबर द्वारा रुद्रचंद को नागौर युद्ध में भेजा गया था, ध्यान दीजिए कहाँ, नागौर युद्ध में भेजा गया था। दो संस्कृत ग्रंथ शैनिक शास्त्र और त्रिवेणिक धर्म निर्णय की इन्होंने रचना की थी। और इसके बाद है आपका राजा लक्ष्मीचंद, न्योवाली और विस्टाली नामक कचहरी या कोर्ट इन्होंने बनाई थी। न्योवाली और विस्टाली दो तरह की कचहरी या कोर्ट इन्होंने बनाए थे। अल्मोड़ा में भगवान शिव का मंदिर लक्ष्मेश्वर नाम का इन्होंने बनाया था। 7 बार गढ़वाल पर चढ़ाई की थी इन्होंने, लेकिन ये हार गए थे। कौन? लक्ष्मी चंद। अब अगर आपको इसे याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे हम कचहरियों में जाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बहुत ज्यादा लक्ष्मी खत्म होती है या पैसा जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और 7 बार इन्होंने गढ़वाल पर चढ़ाई की थी, तो फिर क्या होगा, इसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा लक्ष्मी क्या हुई होगी, खर्च हुई होगी, मीन्स पैसा खर्च हुआ होगा। राजा दिलीप चंद, इनके बारे में पूछा जाता है कि क्षय रोग से जिनकी मृत्यु हुई थी वो कौन थे, तो थे आपके दिलीप चंद। इसके बाद राजा विजय चंद, राजा त्रिवेण चंद, इनको आप छोड़ देंगे या एक सीक्वेंस में अगर याद कर रहे हैं तो कर सकते हैं। राजा बाज बहादुर चंद, बाजपुर की रचना नगर की स्थापना इन्होंने की थी। औरंगजेब के दरबार में पर्वत सिंह गुसाई और पंडित विश्वरूप पांडे को राजदूत के रूप में इन्होंने भेजा था। कुमाऊं क्षेत्र पर इन्होंने पर जजिया कर, ओके, इनके टाइम पर था। और मल्ला महल किला अल्मोड़ा में नंदा देव की मूर्ति स्थापित की। पिननाथ मंदिर, भीमेश्वर मंदिर, कटालमल सूर्य मंदिर जो थे वो इन्हीं के टाइम पे बना था। बाज बहादुर चंद, त्याड़ी का नौला आदि का निर्माण करवाया गया था। धार्मिक कार्यों हेतु तो जनता पर मांगा नामक कर भी इन्होंने लगाया था। मांगा नामक कर, तो दो करों के बारे में आप लोगों को याद रखना है। जो बाज बहादुर चंद थे वो सच में बहादुर नहीं थे, लोगों पर कर बहुत लगाया करते थे। राजा उद्योग चंद, बधाणगढ़ पर विजय प्राप्त की, खैरीगढ़ पर विजय प्राप्त की, पार्वतीश्वर, त्रिपुरी देवी एंड उद्योग चंदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। राज कवि इनके कौन थे? मनीराम थे। तो मनीराम किसके टाइम पे थे? उद्योग चंद पर के समय पर थे। राजा ज्ञानचंद, बधानगढ़ से नंदा देवी की सोने की मूर्ति अल्मोड़ा में स्थापित की और बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, हवाला बाल का नौला बनाया। जिन लोगों को नहीं पता कि नौला क्या होता है, पुराने उसमें गढ़वाल व्यवस्था में, गढ़वाल में पानी के लिए क्या किया जा क्या किए जाते थे, कुछ जगह बना ली जाती थी, उसमें एक गहरा गड्ढा होता था और उसमें क्या होता था, पानी हुआ करता था। अभी भी कभी कई काफी सारी जगह ये नौला है और इनका जो पानी होता था वो काफी साफ रहता था और काफी मीठा होता था, ठंडा, ठंडी जगह पर यूजली, क्योंकि उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता था उसके अंदर बनाया जाता था इसको। अब आप लोग ये देखिए कि जो ये स्ट्रक्चर होता था, तो इन जो ये नौला होते थे इनमें आपको काफी सारी कलाकृतियां बनाई हुई भी मिलेंगी और चीजें भी लिखी जाती थी। तो ये जो नौला होता था इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन या ईयर के हिसाब से या जिसने इसको बनवाया होगा उनके बारे में जो ये नौला बनाया जाता था उन पर लिखा जाता था, तो इतिहास की दृष्टि से इसलिए ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। राजा जगत चंद, जुए पर राजकर लगाया, 1,000 गायें दान दी। जगत चंद के शासनकाल को कुमायूं का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। कुमायूं का स्वर्ण काल जगत चंद के टाइम को बोला जाता था। इस शासक के समय 2 ग्रंथों की रचना हुई, टीका जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा की। राजा देवी चंद, हवाला बाग के फतेहपुर, हवाला बाग में फतेहपुर की स्थापना की। चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है चंद वंश का, तो वह आपका राजा देवी चंद। राजा अजीत चंद, गैड़ा गर्दी इनका अन्य नाम था, अजीत चंद का गैड़ा गर्दी नाम से जाना जाता है। और राजा कल्याण चंद पंचम, विंसर महादेव और अंबिका देवी मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने।
राजा दीपचंद मुगलों की सहायता हेतु 4,000 कुमाऊनी सैनिकों को पानीपत के युद्ध में भी इन्होंने भेजा था और जागेश्वर धाम में स्वयं की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित की थी। राजा मोहनचंद, इसको पवार शासक ललित शाह ने हराया था, और पवार मीन्स परमार शासक, तथा अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से शासक बनाया था बगवाली पोखर युद्ध में। अब यहां पर देखिए कि यहां पे प्रद्युम्न शाह को ही प्रद्युम्न चंद के रूप में यहां पर शासन बनाया था, कहां पे? कुमाऊं में। पुनः 7 वर्ष पश्चात मोहनचंद राजा बना। मोहनचंद की हत्या तड़पा तड़पा कर हर्षदेव जोशी द्वारा की गई थी। राजा शिवचंद, और फिर उसके बाद आते हैं राजा महिनचंद। 1790 में नेपाल के राजा रण बहादुर शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया। चंदवंश यहां पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हवाला बाग का युद्ध इंपॉर्टेंट है। चौतरिया, बहादुर शाह, काजी जगजीत पांडे वर्सेस राजा महेंद्र चंद, इतने लोगों के साथ में क्या हुआ? इनका युद्ध हुआ था। चंद शासकों की कर नीति के बारे में बात करें तो जो जमीन का मालिक होता था उसे थातवान कहते थे, और खायकर व सिद्धांत शब्द भी चंद शासन के हैं। कैनी खेत में काम करने वाले गुलाम थे, जो कैनी होते थे उनको हम खेत में काम करने वाले गुलामों को कहते थे, और 36 प्रकार के राजकर इन्होंने लगाए थे। चंदों की जो अर्थव्यवस्था थी वो भू राजस्व की जो दर उन्होंने निश्चित की थी वो 1/3 थी, ठीक है, एक बड़े दी थी। तो होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा आपके एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।